जब से निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री बनी है तभी से ही वो अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो वो देश की पहली ऐसी महिला है जिन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले निर्मला वाणिज्य मंत्री थी। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी निर्मला इस पार्टी से साल 2006 में जुड़ी थी। प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने विभिन्न मीडिया मंचों पर बीजेपी की नीतियों का प्रभावी तरीके से प्रचार प्रसार और बचाव किया। खास बात यह है कि इस भूमिका में रहते हुए निर्मला गुजरात में काफी लोकप्रिय हो गई थी। रक्षा मंत्री बनने के बाद भी वो आज उतनी ही सरल हैं जितना कि अब तक रही हैं। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री बनने के बाद अब तक उन्हें जितने भी तोहफे मिले वो सभी उन्होंने सरकारी तोश खाने में जमा करा दिए हैं। ये जानकारी खुद रक्षा मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट के जरिए दी। इस ट्वीट में बताया गया कि निर्मला सीतारमण को जो तोहफे रक्षा मंत्री बनने के बाद मिले वो सभी उन्होंने तोश खाने में जमा करा दिए हैं, जिसके बाद लोगों को निर्मला सीतारमण की ये बात बेहद पसंद आई और बहुत ही लोगों ने उनको रिप्लाई भी दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।